और ब्रेक के बाद खबर रामपुर से, जहां बीजेपी प्रत्याशी कौल सिंह नेगी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की हार तय है, इसलिए उसे ईवीएम याद आ रही है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कौल सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस के नेता सीएम पद की चाहत में दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। हिमाचल विधानसभा चुनावों के परिणाम आने में कुछ वक्त शेष है, लेकिन दावे दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं, चाहे भाजपा की बात हो या कांग्रेस की, दोनों ही इस बार सत्ता में वापसी की और सत्ता में आने की बात कह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिमको फैड की चेयरमैन और रामपुर से भाजपा प्रत्याशी कौल नेगी। नेगी साहब, क्या लग रहा है इस बार के विधानसभा चुनावों को देखते हुए, क्या रिवाज बदलने में सफल हो पाएगी भाजपा? इस बार लंबे टाइम बाद इस तरह का रिवाज बदलने जा रहा है कि पहले भी भाजपा की सरकार थी और आने वाले समय में भी भाजपा की सरकार फिर से बनने जा रही है, तो मुझे लगता है कि रिवाज बदलेगा। आपके नाम के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है कौल सिंह का। जब आपके नाम का जिक्र शुरू में आया तो कन्फ्यूजन भी काफ़ी लोगों में हुआ। कौल सिंह जी का इंटरव्यू कल हम देख रहे थे, तो पूरा दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का और पूरी तरह से आश्वस्त लग रहे हैं कि कांग्रेस जो है तो आ रही है, और कांग्रेस के नेता लगातार दिल्ली का रुख भी कर रहे हैं, तमाम नेता दिल्ली पहुँच रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह का वातावरण हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो फिर से भाजपा की सरकार बनते हुए दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री की होड़ चली है, एक तरफ कौल सिंह ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं वरिष्ठता के आधार पर मुझे इस बार तहरीज मिलनी चाहिए, और दूसरी तरफ अग्निहोत्री जी दौड़ में, सुखविंदर सुक्खू जी दौड़ में, प्रतिभा सिंह जी दौड़ में, तो ऐसे मुख्यमंत्री की दौड़ के लिए लगातार चलते आ रहे हैं, लेकिन 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट इसके बिल्कुल विपरीत होंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आधार पर सरकार बनते हुए दिख रही है। आप किन बातों के पीछे, क्या आधार हम माने, किन बातों को आप ले रहे हैं कि अब इन बातों को लेकर जो है तो फिर भाजपा रिपीट करेगी, क्योंकि अब कई लोग ये कोशिशें कर चुके हैं, कई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कोशिशें कर चुके हैं मिशन रिपीट की, लेकिन हिमाचल में सफल नहीं हो पाई है। मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में जो काम सरकार द्वारा किए गए, ऐसे एक एक योजनाओं की अगर बात करेंगे तो हिमकेयर जैसी योजना जो लाई सरकार ने, जो डायरेक्ट गरीब लोगों के लिए मुझे लगता है कि उनकी मदद करने का काम किया है, सारा योजना है और जितनी भी प्रकार की योजना हम देखेंगे, जल जीवन मिशन है केंद्र की जो योजना थी और जल जीवन मिशन है, ये सभी योजनाओं का इम्पैक्ट धरातल में पड़ा हुआ है। आज गांव के व्यक्ति, गरीब व्यक्ति से अगर देखेंगे, तो मुझे भी जब चुनाव के दौरान घूमने का अवसर मिला तो मुझे कहने लगे कि हम अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं तो हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे परिवार से मुफ्त में इलाज ऑपरेशन हुआ है, तो उस कारण हम आज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो ऐसे कई है, पेंशन की बात करेंगे तो ऐसे 60 साल के बुजुर्गों को पेंशन की सरकार ने प्रावधान रखा है, तो इस आधार पर मुझे लगता है कि जो सरकार की योजना है और जो सरकार ने पूरे 5 साल में जो विकास के कार्य किए, और विशेष तौर पर मैं अपनी विधानसभा का बात करूँ तो वहाँ के आम जनता भी कह रही है कि जो काम पिछले 15-20 वर्षों में नहीं हुए वो जयराम ठाकुर की सरकार ने किए, तो मुझे लगता है कि इस आधार पर सरकार की योजना और विकास के जो कार्य हुए उस आधार पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिख रही है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस मुलाकात में मुकेश अग्निहोत्री ने खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बधाई दी और हिमाचल प्रदेश में हुए चुनावों को लेकर जानकारी साझा की।